वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल नज़ीर कुरैशी 786। गाइस आज जुमा का दिन है और देवनार बकरा मंडी में गाड़ियां खाली हो रही है और आगे चलते देखते कहां और माल मिलता है अपने को अच्छे से अच्छी क्वालिटी, जो सारे कट्टू के माल है। आगे चलते गाइस। गाइस इस वक्त में हम बाड़े में अब आ गए हैं धक्के से, अब चलते आगे की तरफ क्या क्या देखने मिलता है अपने को। इस बाड़े में है ये आकिब का अक्खर है और ये सुफियान चाचा के बाजू में ये अक्खर है। इसमें भी सुजत के बच्चे माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है और कुछ देखो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें और भी अच्छे बच्चे हैं। जिस भाई को भी लेना है कल देवनार बकरा मंडी में आ जाओ। और कल दिन है शनिश्चर का, वो बकरा एक नंबर है। देखो उस जगह पे देखो, मैं यहीं से जूम करके दिखा रहा हूँ, दो बकरे माशाल्लाह एक नंबर है। एक वो साइड मुंडी जो घुमा के खुजा रहा है वो भी बकरा एक नंबर है। देखो चल रहा है, मस्त बच्चा है। और कल आ जाओ देवनार मंडी में, अल्लाह चाहेगा एक से बढ़कर एक बच्चे मिलेंगे। आज जुमा का दिन है और बच्चे माशाल्लाह सब लगभग मेरे हिसाब से ये सही है, आज की गाड़ी में माल उतरा है ये। इधर देखो ना भैया, ये सामने वाला भी अच्छा है। भाई के बाड़े में हम लोग आ चुके हैं और ये पतीरा बकरा है माशाल्लाह, फुल क्वालिटी में ये बच्चा। अब आएगा अंदर छेड़ेगा थोड़ा क्योंकि मारने आ ही रहा है वो, और ये सब थकान में जानवर है अभी। हाँ बन रहे हैं। और ये बशीर भाई के भी पास बाड़े में, मतलब अभी इस वक्त में माल कम से कम है, नहीं तो इस बाड़े में 100-80 जानवर भरे रहते थे। ये है ना, ये क्या है, भरभरा है क्या? आप बांध के रखे भाई एकदम। हाँ आवाज कर रहा है, नींद में है क्या भाई? आवाज का ही पैसा है भाई, दाम बताने वाला कोई नहीं है भाई। और ये बशीर भाई के बाड़े में ये बकरा मौजूद है इस वक्त में, और जिस भाई को भी लेना है शनिश्चर की मंडी में बिंदास आके ले सकते हैं। भरभरा है खजूरे कान में। कैसे आएगा, 50 किलो के आसपास बकरा आएगा ये। और जिस भाई को भी लेना है एक मर तो आके ट्राई करो। और इस वक्त में माल मेरे हिसाब से लगभग बड़ा माल कम आ रहा है क्योंकि कुर्बानी के पीरियड में माल लगभग शॉर्ट हो चुकी है। और इधर अल्लाह चाहेगा अब माल धीरे धीरे चालू होएगा क्योंकि श्रावण महीना जब तक है तब तक का माल तो आना मुश्किल है, लेकिन जब तक श्रावण ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद माल आना चालू हो जाएगा। चलो गाइस वीडियो को आगे लेके चलते हैं, आप लोग वीडियो से ज्वाइंट रहो। चाचा क्या दाम से, क्या दाम के बकरे अपने पास है? 2000 के हैं, 30000 के हैं। अरे नीचे लो क्वालिटी से कितने से स्टार्ट है? कम से कम में कितने से स्टार्ट है चाचा? कम में कम हाँ 15-16 हजार से स्टार्ट है। 16 हजार के मतलब 20 हजार से, 26 हजार, 20 हजार से स्टार्ट है। 20 हजार से स्टार्ट, 20 हजार से नहीं 28 हजार चाचा बता रहे। चलो ठीक है गाइस, जो भी जानवर आपको पसंद आता है एक मर तो आप कल विजिट करो, ये चाचा बाड़े में मिलेंगे। यही मिलोगे ना तुम? आ चाचा यही मिलोगे ना? यही मिलेंगे। किसका बाड़ा है? 11 नंबर है। 11 नंबर बशीर का बाड़ा है ना? बशीर का बाड़ा है। चलो चाचा नंबर तुम्हारा याद है क्या तुमको? नहीं। ये जाफर भाई के बाड़े में गाइस घूम रहा हूँ और इनके पास भी है बच्चे इस वक्त में। सब दाती बच्चे है ना शमशेर भाई? सब दाती, मतलब क्या रेंज से क्या रेंज तक का है अपने पास? 10,000 से लेके 17,000 तक। जरा 10,000 वाला एक आध बच्चा दिखाओ भाई। हकीके के लायक सारे जानवर रेडी है ना? सब दो दो दांत पे ना? हमारे शमशेर भाई है, एक 10,000 का बच्चा पकड़ के दिखा रहे माशाल्लाह एक नंबर। दांत दिखा दो शमशेर भाई, जरा मालूम पड़े ना गिराक को कि हाँ दाती बच्चा भी 10,000 का जाफर भाई के बाड़े में मिल जाता है माशाल्लाह। देखो दो दांत पे बच्चा है और कम से कम मेरे हिसाब से गोश आएगा 13-14 किलो गोश, और 10,000 रुपये में, मतलब कुछ कम हो जाएगा ना शमशेर भाई? कम हो जाएगा। एक मर तो आके विजिट करो बाड़े पे। 10,000 फाइनल रेट है उसका, ऐसा कीमत करते 15-16 हजार। अच्छा, मतलब मुनासिब दाम में ग्राहक लोग को आप दे देते हो? मतलब अभी वीडियो पे आप बता दिए ये मुनासिब दाम है, बाकी कीमत करने का गाइस और भी ज्यादा दाम रहता है, लेकिन फिर भी एक मर तो आप आओ बाड़े पे विजिट करो,
जाफर भाई और शमशेर भाई हमेशा मिलेंगे, आप वीडियो देख के आओ। बताओ शमशेर भाई, देखो ये बच्चा आप 10,000 बोले थे, कुछ गुंजाइश करके ले लो, एक मरतबा ट्राई करो। शमशेर भाई अपना नंबर बताओ यार। मेरा मोबाइल नहीं है। अच्छा जाफर भाई का नंबर बताओ। नंबर दूसरा नंबर अभी घर नहीं, इसका नया नंबर। अच्छा अच्छा ठीक है चलेगा। जाफर भाई का भाड़ा बता दिया ना गाइस, एक मरतबा आप ध्यान दो कि जाफर भाई बशीर भाई सब एक ही साइड में है। चलो गाइस आगे चलते देखते। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मुन्ना के भाड़े में। ये पेवर सुजत के खस्सी बकरे हैं, टोटल एक से बढ़कर एक है, और पेवर खस्सी बकरे हैं ना सब, सब सारे एक्टिव बच्चे हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, भाई साहब क्या दाम से क्या दाम के बच्चे अपने पास है? तो फिलहाल मैं 17,000, 18,000, 22,000 जैसा बकरा लेंगे, जैसा बकरा वैसा दाम। और बकरे लगभग लगभग मेरे हिसाब से मेवाड़ गए, ये क्या दो दांत पे है। भाई साहब क्या दाम का ये? 26,000। वजन क्या है इसका? आईजा वजन इसका आएगा 50 के अंदर है। नहीं नहीं 50 के ऊपर है भाई, बच्चा है एकदम कसा हुआ खस्सी बच्चा है। आईजा क्या दाम बताए इसके बच्चे का? 26,000। गुंजाइश हो जाएगी ना भाई? उसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह। और एक दो बच्चे पकड़ के दिखा देते जरा। रहो ये बच्चा अजमेर है ना? अजमेर है। आएगा कम से कम 60 किलो आएगा, 60-65 किलो आएगा, 60-65 किलो का बच्चा। इसके क्या डिटेल और क्या प्राइस है? आई साहब दांत दिखाएंगे क्या? चार दांत कर दिया है माशाल्लाह। इसकी प्राइस बताएंगे आई साहब? 32,000 रुपये इस बच्चे का, लेकिन कम ज़्यादा हो जाएगा। और ये सुजत के बच्चे जो वाइट वाइट है, इनके क्या दाम से क्या दाम तक? 30,000, 31,000। अच्छा मतलब 35,000 रुपये इसमें भी कम हो जाएगा ना आई साहब? दो दांत पे। गाइस एक मरतबा आप आओ और यहाँ पे विजिट करो मुन्ना और प्लस मोहसिन भाई। आई साहब अपने, आई साहब अपना नंबर बता दो यार पहले। आई साहब मतलब साल के 12 महीना यही भाड़ा है ना? अपना साल के 12 महीने का हकीका न्याय नजर हो गया, पूजा पार्टी के लिए बकरे, बड़े से बड़ा बकरा अपने सब 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 अंडू भी है ना आई साहब अपने पास? तो गाइस अंडू का भाड़ा ये है, मैं यहीं से विजिट करा देता हूँ। और अभी इस वक्त में आई साहब अपने पास कितने बकरे? अभी फिलहाल अपने पास 69 बकरे। 69 बकरे। और क्या रेंज से क्या रेंज तक का बकरे अपने पास? 17,000 है, कोई 22,000 है, जैसा बकरा ले। मतलब स्टार्टिंग 17,000 से है कि और भी लो क्वालिटी है ना? 16,000 से भी है, 17,000 से, 15,000। मतलब 15,000 से लेके हाँ। और वो अंडू बकरे 50-50 हज़ार के क्या? हाँ, वो सब भारी भारी बकरे। अच्छा ये बड़े अंडू है 50-50 हज़ार के, लेकिन उसमें भी गुंजाइश हो जाएगी बच्चे, वो तो हाई क्वालिटी दिख ही रहे हैं। तो गाइस दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो, लाइक करना ना भूलो। अल्लाह हाफिज़।